हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट बर्ड। आज की वीडियो में मैं आपको कॉफ़ी मंडाला कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का पैकेट लिया हुआ है। आप कोई भी कॉफ़ी का पैकेट ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे दो स्मॉल साइज़ के ब्रशेस ले रही हूँ और दो बाउल ले रही हूँ जिनमें अपन कॉफ़ी के शेड बनाएंगे। इन दोनों बाउल में, एक बॉल में मैं लाइट शेड बनाऊंगी और एक बॉल में डार्क शेड बनाऊंगी। तो लाइट शेड बनाने के लिए मैं एक बॉल में हाफ टेबल टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डालूंगी और सेकेंड वाले बॉल में मैं 2 बिग टेबल स्पून कॉफ़ी डालूंगी और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मैं मिक्स कर लूंगी, जिससे एक लाइट शेड आपका रेडी हो जाएगा और एक डार्क शेड रेडी हो जाएगा। और उन दोनों लाइट एंड डार्क शेड से अपन मंडाला को पूरा पेंट करेंगे। अब मंडाला बनाने के लिए मैं वाटर कलर शीट का यूज़ करूँगी। सबसे पहले शीट पर मैं उसका सेंटर फाइंड आउट करूँगी और सेंटर फाइंड करने के बाद मैं कंपास की हेल्प से सर्कल्स बनाऊँगी। सर्कल्स का कोई मेज़रमेंट नहीं है गाइस, आप जस्ट रैंडम सर्कल्स बना सकते हैं। और सर्कल्स बनाने के बाद मैं एक प्रोटेक्टर की हेल्प से इक्वल एंगल पे डॉट क्रिएट करूँगी। देन डॉट से मैं पूरा मंडाला ग्रिड्स बनाऊँगी। जैसे मैं ये बना रही हूँ गाइस, वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका भी ऐसे ही मंडाला ग्रिड रेडी हो जाएगा। देन मंडाला ग्रिड रेडी होने के बाद फिर मैं आगे के प्रोसेस बताती हूँ, तब तक मैं जल्दी से ये मंडाला ग्रिड को फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ हमारा मंडाला ग्रिड रेडी हो चुका है और मैं एक इरेजर की हेल्प से सेंटर पे जो पेंसिल से ड्रॉ था उसको इरेज कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे आउटलाइन पेन का यूज़ करूँगी जो कि 0.05 उसका निब है और मैं उससे पूरा ड्रॉ करूँगी। और जो भी मटेरियल गाइज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं उन सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं जैसे बना रही हूँ गाइस वैसे ही आप बनाइएगा। मैंने मंडाला ग्रिड इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इससे हर एक डिज़ाइन आपकी प्रॉपर बनती है, मंडाला एकदम परफेक्ट और ब्यूटीफुल लगता है।
यहाँ पे हमारा पूरा मंडाला रेडी हो चुका है। अब मैं इरेजर की हेल्प से पूरा जो पेंसिल से ड्रॉ है उसको पूरा इरेज कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने दो शेड बनाए हुए थे, सबसे पहले अपन ने कॉफ़ी से, तो उन दोनों शेडो से अपन पूरा मंडाला को पेंट करेंगे। सबसे पहले मैं सेंटर में लाइट कलर से मंडाला को पूरा पेंट कर दूंगी। जैसे गाइज मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप पेंट करिए। जब आप इस पे लाइट पेंट कर लें उसके बाद ही आप डार्क शेड को पेंट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि पूरा कलर मैसी हो जाएगा, मिल जाएगा। जब ये पहले पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप डार्क कोट कीजिए। सॉरी गाइज मैं यहाँ पे डार्क जो मैं जब कर रही थी तो मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ डार्क डार्क जो सब जगह लग रहा है उसको मैंने डार्क कलर से पेंट करा हुआ है। सॉरी गाइज वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और पर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने लाइट कलर करा था, देन उसके बाद जब वो ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने डार्क कलर किया। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, पहले लाइट कलर कर लीजिएगा, देन जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप सेकेंड कोट जो डार्क कलर का है उस पर कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पूरा वाटर कलर शीट पे मैस हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा, मिल जाएगा और वो बहुत ही गंदा लगेगा। और यहाँ पे गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे आर्टलाइन पेन का यूज़ करा था जो कि वाटर बेस्ड था। अगर आपके पास आर्टलाइन पेन नहीं है तो आप कोई भी वाटर बेस्ड पेन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वो फैलेगा नहीं। अगर आप कोई भी लोकल ब्लैक पेन यूज़ करोगे तो वो यहाँ पूरा फैल जाएगा और पूरा ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अगर आप पेन यूज़ करें तो वो वाटर बेस्ड हो। ओके गाइज, देन उसके बाद मैं सेंटर मेरा कंप्लीट कर हो गया है। अब मैं फिर जो आउटर एरिया है उसमें पूरा एक बार पूरा लाइट शेड पेंट करूँगी। और फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो उस पर डार्क कलर का पेंट करूंगी। गाइज मैं बीच वाला जो भूल गई थी आपको शो करना, अब मैं ये जो आउटर कर रही हूँ आप प्लीज़ वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको जैसा कर रही हूँ वैसा आप देख लीजिएगा। क्योंकि जैसा मैंने आउटर में करा है वैसे ही मैंने सेंटर में करा है, पर वो मैं गलती से उसको रिकॉर्ड करना भूल गई गाइज। तो अब आप मेरा ये एंडिंग देख लीजिए, वो भी एज इट इज़ सेम ही है। गाइज मैं अब यहाँ पर पूरा मेरे मंडाला में लाइट शेड का यूज़ कर चुकी हूँ और मेरा मंडाला ड्राई भी हो गया है। अब मैं यहाँ पर ड्राई होने के बाद डार्क शेड का यूज़ कर रही हूँ और डार्क शेड की हेल्प से मैं पेंट कर रही हूँ। गाइज जैसा जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप उन बातों का ध्यान रख के मंडाला बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपका कॉफ़ी मंडाला बनेगा। और स्टेप बाय स्टेप आप भी इतना ही प्यारा मंडाला बना सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर कलर शीट आप यूज़ करें, सेकंड आपको वाटर बेस्ड आपका पेन हो, और थर्ड ये है कि आप जो मंडाला बनाएं कॉफ़ी का उसमें लाइट और डार्क शेड का ज़रूर ध्यान रखें कि एक लाइट शेड हो और एक डार्क शेड हो। गाइज मैं जल्दी से इसे फिनिश कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस कितना ब्यूटीफुल बना है ये। गाइज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो कॉफ़ी मंडाला पसंद आई हो तो मेक श्योर आप उसे लाइक कर दीजिएगा। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रही ये वीडियो। गाइज और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। गाइज आप साथ ही साथ मेरी बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास आए और जल्दी से आप उसे देखें। तो गाइज ये मेरा मंडाला रेडी हो चुका है, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सा मेरा मंडाला बना हुआ है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।